अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर सीएस 201 लेक्चर नंबर 31 डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, हम लेक्चर ओवरव्यू देख लेते हैं और ये आपके लिए ना पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है और ये आपके लिए डेफिनेशन और MCQs, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, अब हम इसको डिटेल से कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करेंगे। और हमें ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये आपका MCQs आता होता है या एक क्वेश्चन आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, फिर रेलिवेंट टू इससे अप्लाई, फिर ऑपरेटर ओवरलोड, फिर ओवरलोडिंग के मुतालिक आज जो है वो हम सारी बात करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर रिव्यू में देखें, वो आपको कह रहा है कि आप पहले ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको मजीद कॉन्सेप्ट अगर जो है वो एक ईजी वर्डिंग में समझाऊं तो आपने इतनी सी फंक्शनैलिटी को याद करना है या इतने से कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि जो ऑपरेटर ओवरलोडेड होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि आपके ऑपरेटर के पीछे यानी कि आपका कोई साइन है, जिस तरह हम यहाँ पर लिखते हैं सी आउट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ जी, सी और आउट। अब आप सिर्फ ये नाम लिखते हैं सी आउट, इसका अब बारह दफा मैंने आपको बताया इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि आपका जो ऑपरेटर है यानी कि आपका जो ये ऐसा फंक्शन है सी प्लस प्लस के अंदर, जो ये अगर आप सी आउट लिखेंगे तो आपके पास जो है वो सारी वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देता है। अब आप इसके आगे ये जो है वो इस तरह के ऑपरेटर साइन नहीं इस्तेमाल करते हैं, आगे जो है वो आप अपनी चीजों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपके कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि ये जो सी आउट है इसका मेन फंक्शन क्या होगा या मैंने क्यों स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है? तो बेसिकली दीज आर ऑल ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। ये तमाम तर जो ऑपरेटर्स हैं ये ओवरलोडेड ऑपरेटर्स होते हैं। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि ये आप इनके पीछे बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी या बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग छुपी होती है जो कंपाइलर बनाने वाले ने पहले से की होती है। हमें जरूरत नहीं है कि हम उस जो है वो प्रोग्रामिंग को छेड़ें या हम उस प्रोग्रामिंग को देखें, बस आप सिंपल इस फंक्शन को कॉल करें या सिंपल ये फंक्शन लिखें, आपका प्रोग्राम या आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैंने हाँ भी यहाँ पर इस जो कोटेशन है इनके अंदर जो भी लाइन लिखी है मैंने इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो ये बेसिकली आपकी होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि आप इतना कैसा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख सकते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडेड वो फंक्शंस होते हैं जो आपको ये बताते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि जनाब हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसको इंक्रीज किया है, यानी कि ज्यादा फंक्शनैलिटी एक छोटे से ऑपरेटर के पीछे अगर छुपी हुई होती है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो कह रहा है प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में मुतलिक, अब हम जो है वो मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, चलते हैं जी, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोबारा से, इट इज अलाउड द सेम ऑपरेटर टू द बाउंड टू मोर देन वन इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स। वो कह रहा है कि जो ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स के बाद कोई भी आपका फंक्शन वो या लाइन या जो वो लफ्ज जो आपका ओवरलोडेड हुआ हुआ है उसका काम ये होता है कि वो क्या करता है जी, वो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन को मजीद इंक्रीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इम्प्लीमेंटेशन मोर देन वन, यानी कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी फंक्शनैलिटी होती है वो एक से ज्यादा हो जाती है। एज यू नो, आप जानते हैं देर आर स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी एंड सी प्लस प्लस। हमारे पास जो है वो कुछ स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जो कौन से होते हैं? प्लस के होते हैं, माइनस के, मल्टीप्लाई के और डिवीजन के। वी शुड यूज, हम इनको इस्तेमाल करते हैं, यूज दीज ऑपरेटर, इन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ठीक है। अब आपने याद कर लेना है कि एड का, ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पहले भी पता होगा, जो ऐड का साइन होता है वो इस तरह का होता है, जो माइनस का साइन होता है वो सिंपल आप जो है वो एक लाइन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई, स्टेरिक और डिवीजन के लिए भी आप एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हम जो है अपने कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास ना बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ये आपने याद कर लेना है, ये आपके पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रियल नंबर वो नंबर होता है जो आपको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर पे कंसिस्टेंट होता है पहली बात, और उसके बाद वो कह रहा है कि ये मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आपको एग्जांपल दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या कह रहा है जी कि आप अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं लाइक सी इक्वल टू या सी वन सी टू, तो बिकॉज अंटिल नाउ वी डिड नॉट नो हाउ टू राइट इट। वो कह रहा है तब तक आप इसको नहीं लिख सकते जब तक आपको लिखने का तरीकेकार ना पता हो। जिस तरह देखिए मेरे पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वन है और एक टू है, ठीक है। अब मैंने वन टू नंबर तो लिख दिया लेकिन मुझे पता नहीं ऐड का मतलब क्या, तो डेफिनेटली मैं इसमें ऐड का साइन लगाऊंगा तो पता लगेगा कि वन और टू को हमने ऐड करना है। तो आप इसको कैसे कंपाइलर के थ्रू ये काम करवा सकते हैं, आप लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाते हैं। रियल का मतलब होता है पॉइंट वाइज नंबर भी वगैरह वगैरह, और जो इंटीजर नंबर होते हैं वो भी। तो ये तमाम नंबर जो है वो मिलकर आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर देते हैं। अब आपने कंपाइलर में ये कैसे काम करवाना है, सी एड करते हैं आप,
उसके बाद कम्प्लेक्स सी वन, कम्प्लेक्स सी टू। इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये आपके पास एक मेन सिंटैक्स होता है जिसकी मदद से आप अपने नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं बाय यूजिंग डेव सी प्लस प्लस। दोबारा से आपके लिए मैं ये जो है मैं लाइन रिपीट कर देता हूँ। कम्प्लेक्स आप लिखते हैं जी कि हमारे पास जो नंबर है वो कम्प्लेक्स है सी ऐड, यानी हमने ऐड करवाना है कम्प्लेक्स वन यानी एक नंबर को और कम्प्लेक्स टू दो नंबर को। उसके बाद वो कह रहा है इसी तरह से आप जो है वो इसी तरह जो तमाम ऑपरेटर्स होते हैं इनको आप इस्तेमाल करते हैं, आपका जो मेन सिंटैक्स होता है वो यही होता है। फिर व्हाई इज इट रेलिवेंट टू अप्लाई, वो कह रहा है इसको अप्लाई करना क्यों जरूरी होता है। तो पहली वजह तो मैंने आपको ये बता दी कि इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे पास जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स किस्म के होते हैं। जिस तरह मैंने आपको भी सी आउट की थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी, सी आउट में होता ये है कि सी आउट के अंदर आपकी जो चीजें होती हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है। अब वो जहरी सी बात है अगर मैं वो फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना स्टार्ट करूंगा तो मेरा फंक्शन बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, मेरा फंक्शन बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो ये इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन को इस्तेमाल कर लें ताकि हमें ना तो अपना इतना लंबा कोड लिखना पड़े और ना इतना लंबा कोड लिखने के साथ साथ हमें जो है वो इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़े कि हम जो है वो बहुत लंबा एक कोड लिख रहे हैं और हमें बाद में कुछ समझ भी ना आए। तो ये इसीलिए जो है वो जरूरी होता है आपके लिए कि आप इसको इजीली जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। फंक्शन ओवरलोडेड ऑपरेटर्स के अंदर वो कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर टू ओवरलोडेड, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और यहां से आपका मेन सिंटैक्स या जो मेन थीम है पेपर का वो स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, वो ये कह रहा है आपको कि आपने क्या करना है, आपने ओवरलोडेड ऑपरेटर्स की टाइप्स को या ऑपरेटर को याद करना है। यानी कि यूनरी ऑपरेटर एक होता है और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। क्या मतलब है इसका, मतलब इसका ये है कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक का नाम यूनरी है और एक का नाम बाइनरी है। यूनरी का मतलब होता है वन यानी एक, उसके आगे आपको कह रहा है जो यूनरी ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, ये आपके लिए अप्लाइड होता है ऑपरेंड के लेफ्ट वाली साइड पे। ये आपने याद कर लेना, ये आपके एमसीक्यूज या क्विज में आता होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे वो आपको इस तरह की एक जो है वो लाइन दिखा रहा है, यानी कि ये एंड का साइन है, इसके अलावा ये जो आपको डिस्ट्रक्टर का साइन ये दिखाया जा रहा है, नॉट ऑपरेटर का साइन है, ये आपको जो है वो दिखाया जा रहा है। जबकि बाइनरी ऑपरेटर, अच्छा दोनों में फर्क आपने याद कर लेना, यूनरी का मतलब होता है वन, यानी यूनरी जो है वो एक डिजिट के साथ काम करता है, सिर्फ वन के साथ, जबकि जो बाइनरी होता है ये दो डिजिट के साथ काम करता है। जिस तरह प्लस देखें, अब प्लस क्या होगा, जिस तरह टू प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वन और वन दो डिजिट्स हैं और बीच में आपके लिए क्या है, ऑपरेटर है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश जो है वो कर रहा है ऑपरेंड्स के बारे में। खैर हम आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे आपको क्या जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। यहाँ पे देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और मोड और इक्वल टू, ये तमाम तरह जो ऑपरेटर्स होते हैं ये आपके लिए बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी इस तरह ही आता है कि ये आपको जो है कुछ दिए गए हैं, प्लस वगैरह ये सारे आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बाइनरी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और ये ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि ये तमाम तरह जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है और ये ओवरलोडेड है, आपने दोनों बातों को याद करना है। और ये कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो आप ओवरलोडेड नहीं कर सकते, ये आपका पास्ट पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया है, होपफुली आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले तो कोमा है, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूँ, आपने इसको इस तरह याद कर लेना है। देखें कोमा है, कोमा के बाद कोलन है, फिर उसके बाद कोलन कोलन है, उसके बाद मल्टीप्लाई कोलन है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और साइज ऑफ, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप क्या करते हैं, जिनको आप अपनी डेव सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर जो है वो कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर में बहुत एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, होपफुली आप इसको याद कर लेंगे। उसके आगे आपको कुछ डेट के बारे में जो है वो बता रहा है कि अगर आपने कोई डेट के वाले से डिक्लेयर करना है तो आप डेट डॉट डेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ए प्लस बी आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो एक दफा इसको अपने ऑपरेंड्स को ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये आपको बाइनरी ऑपरेटर के बारे में बता रहा है, तो जो मैंने आपको पीछे बताया वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लेके आगे आया हुआ है। उसके आगे सिंटैक्स आपको बता रहा है जी ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन का, जिसमें कह रहा है रिटर्न टाइप
उसके बाद ऑपरेटर और उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल। अब यहाँ पर वो कह रहा है ऑपरेटर जो है ये एक कीवर्ड है, यहाँ पर ये भी आपने याद कर लेना है, ऑपरेटर यहाँ पर जो है वो एक कीवर्ड है। एज एग्जांपल ऑफ दिस विल बी एज फॉलोज, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स एंड। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे आपको कह रहा है वी सम टाइम राइट ओनली ऑपरेटर टू रेफर टू बी ऑपरेटर फंक्शन इन आवर डिस्कशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो कह रहे हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले द ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन फॉर ओवरलोडिंग ब्रैकेट्स ऑन द असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर मस्ट बी डिक्लेयर एज अ क्लास मेंबर। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए यहाँ पर जो है वो आपको बता रहा है, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है। जो ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं ये ओवरलोड होते हैं कुछ ब्रैकेट्स के साथ लाइक दिस, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑपरेटर जो होता है आपका ओवरलोडेड वो आप क्लास मेंबर के तौर पर डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जो ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शंस होते हैं वो आपकी क्लास के मेंबर्स होते हैं। उसके आगे वो आपको कह रहा है कि जो आपके जो एरआईटी यानी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। इफ यू आर ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर दे रिक्वायर टू ऑपरेंड्स लाइक मल्टीप्लाई, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज यूनरी ऑपरेटर। अब ये जो मल्टीप्लाई है ना, चूंकि अब ये जारी सी बात है, अगर मेरे पास एक जो है वो नंबर है, जिस तरह देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू मल्टीप्लाई, अब आपको कुछ समझ तो नहीं आ रही कि मैंने टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये यूनरी ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपको बाइनरी ऑपरेटर या बाइनरी नंबर ही इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो कि जाहिर सी बात है टू को टू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताने की जो है वो कोशिश की जा रही है। उसके आगे देखते हैं, तो वो कह रहा है न्यू ऑपरेटर जो है हम क्रिएट करते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, इसमें आपको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दे रहा है। अब ये आपका बाइनरी सॉरी मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, और जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो कि दो दफा आ गया, अब आपका ये ओवरलोडेड है, ठीक है। उसके आगे एग्जांपल दे रहा है आपको कुछ ओवरलोडेड की, यहाँ पर देखें ये आपके लिए एग्जांपल है z इक्वल टू y प्लस z। अब जो y और z है ये ऑपरेंड्स है, और जो आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है ये आपका ऑपरेटर है। तो ये आपको कह रहा है कि अब ये जो आपका फंक्शन है ये ओवरलोडेड है। इसी तरह यहाँ पर देखें सी वन इक्वल टू सी टू, अब ये आपका फंक्शन जो है वो ओवरलोडेड है और ये आपने असाइन किया हुआ है। एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पे रखिएगा, मे बी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिखते हैं ना सी इक्वल टू वन, अब ये इक्वल नहीं है, अभी मैंने आपके लिए यहाँ पर वर्ड भी इस्तेमाल किया, लेकिन डेव सी प्लस प्लस में हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अगर आपने लिखना है सी जो है वो बराबर है, यानी सी इक्वल इक्वल, हम डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके पेपर में आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है वो बातें पूछी जाती हैं। उसके आगे हम देखते हैं, तो आपको कुछ आगे बता रहा है कि आपके कंपाइलर के अंदर जो है इस तरह का मतलब होता है असाइन करना, जो असाइनमेंट मैंने अभी आपको बताया सी असाइनमेंट यानी इक्वल वन, यानी मैंने सी को वन असाइन कर दिया। उसका ये कह रहा है वी डाइट ओवर ऑन क्लास एंड कंपाइल इट, हम अपनी क्लास भी लिख सकते हैं और उसको कंपाइल कर सकते हैं। अपनी क्लास हम कैसे लिखते हैं वो आपने अच्छी तरह से सीख लेना है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है, होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो सुना होगा, नहीं सुना तो दोबारा सुनिएगा, आपको वहां से इंशाल्लाह जो है वो काफी समझ आ जाएगी। उसके आगे फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहा है, फ्रेंड फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जी, फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन आपको आपके प्राइवेट क्लास में से आपका स्पेसिफाइड डेटा जो आपको चाहिए होता है उसको एक्सेस करवा के देता है। यानी कि अगर आपने अपने प्राइवेट क्लास में से कुछ स्पेसिफिक डेटा को उठाना है तो आप क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे सिंटैक्स बस आपने याद कर लेनी है, कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स कॉलन कॉलन कम्प्लेक्स प्लस कम्प्लेक्स, इसका मेन मकसद क्या है ये देखें, ये इसकी फंक्शनैलिटी है जिसके अंदर वो आपको एक क्लास कम्प्लेक्स टेम्प की एक क्लास बना के दे रहा है। उसके आगे वो कह रहा है रियल प्लस रियल, यानी दोनों रियल नंबर्स को आपस में ऐड करवा दो और उसके बाद इसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिटर्न करवा दो। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये वैसे पेपर में नहीं आता लेकिन आपने इसको फोरा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर में आ सकता है। यही सारी फंक्शनैलिटी जो मैंने अभी आपको बता दी वो आपको यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में बता रहा है। उसके आगे देखें वही सारी बातें आपको यहाँ पर डिक्लेयर बार बार की जा रही हैं कि सी थ्री इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, अभी जो आपको नजर आ रहा है ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये ओवरलोडेड है, यानी कि अब पहले सी वन और जो डी आई एड होके किस में सेफ हो जाएगा, सी थ्री में जो है वो ये सेफ हो जाएगा, और उसको आप कंपाइलर के फॉर्म में कुछ इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। हम एक डायरेक्टली प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन, ये अब आपका एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ऐसे मेंबर फंक्शंस जो आपकी क्लास के साथ लिंक्ड नहीं होते। आपकी थ्योरी की फॉर्म में या आपके हैंडआउट्स के मुताबिक देखते हैं, वी आर मच क्लियर दैट व्हेन एन ऑपरेटर फंक्शन इज इंप्लीमेंटेड एज अ मेंबर फंक्शन द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर मस्ट बी क्लास ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टू बी अ क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेटर क्लास। वो कह रहा है कि ऐसी क्लास जो कि आपकी लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर होती है, आगे जाके इसकी एक एग्जाम्पल भी आएगी, वो मैं आपको वहां से इंशाल्लाह मजीद आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपको वहां पर
समझ भी आ जाएगा। अब आगे देखिए, वो आपको कह रहा है नॉन मेंबर, ये इसकी डेफिनेशन है बेसिक, कि जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर लाइक प्लस गेट बोथ द ऑपरेंड्स एज आर्गुमेंट। वन थिंग टू टेक केयर ऑफ व्हाइल राइटिंग नॉन मेंबर फंक्शन, दे कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं ये आपके प्राइवेट क्लास को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नॉन जो मेंबर फंक्शन है ये प्राइवेट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, और ये दोनों ऑपरेंड्स को हमें एज अ आर्गुमेंट वापस करते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लव्ज हैं, लेकिन आपने याद कर लेने, मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, कि जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं ये आपकी प्राइवेट क्लास को एक्सेस नहीं करते, जबकि ऑपरेटर्स जो होते हैं, ऑपरेंड जो होते हैं, आपको आर्गुमेंट्स की फॉर्म में वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें इसकी एग्जाम्पल है, ये देखें कम्प्लेक्स ऑपरेटर, उसके बाद प्लस। अब ये प्लस के बाद आपने जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, कम्प्लेक्स एंड C1, कम्प्लेक्स एंड C2। अब हम यहाँ पर जो एंड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मेन फंक्शन या इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये रेफरेंस डेटा टाइप है हमारे पास। उसके बाद हम कहते हैं इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या आपने क्या करना है, आपने ऐड करने के बाद इसको हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिटर्न कर देना है। अब देखिए यहाँ पर नॉन मेंबर फंक्शन जो है विदाउट डिक्लेयरिंग अ फ्रेंड ऑफ द क्लास, क्योंकि जो नॉन मेंबर फंक्शन है वो हमने यहाँ पर फ्रेंड के साथ डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि जो फ्रेंड होता है ये आपके वो क्या करता है, फ्रेंड आपका प्राइवेट डेटा तक एक्सेस आपको देता है। क्योंकि अब ये आपके पास नॉन मेंबर फंक्शन है, अब अभी हमने पढ़ा नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर फ्रेंड लिखेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट होती चली जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर फ्रेंड जो है वो नहीं लिखते। उसके आगे कुछ आपको मेन फंक्शन की तरफ लेके जा रहा है, मैं आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये आपका एक मेन प्रोग्राम है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, क्लास बनाते हैं जिसका नाम आपने रखा कम्प्लेक्स। अब जरूरी नहीं होता कि आपने कम्प्लेक्स ही नेम रखना है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। आपने क्लासेस बनाई जी प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में आपने कहा डबल रियल और डबल इमेज। अभी जो आपको IMAG नजर आ रहा है आपका इमेजिनरी पार्ट है, जो आपको रियल नजर आ रहा है आपका रियल पार्ट है। उसके बाद आपने कहा जी कम्प्लेक्स, ये आपका पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर याद रहे वही नाम रखता है जो नाम आपकी क्लास का होता है। आपने कहा जो है वो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, यानी कि ये आपके आउटपुट में आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाए। उसके बाद आप कहते हैं डबल आर डबल आई और इसको सी आउट करवा दो। आर जो है वो इमेजिनरी है और आई जो है वो सॉरी आर जो है वो रियल है, और जो IMAG यानी इमेजिनरी जो है वो I के बराबर है। उसके आगे void real double R, R equal to R और उसके बाद real। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से देखिए वो कह रहा है कि अब वो आपके लिए सेटर को डेटा को सेट कर रहा है, यानी कि जो रियल जो आपका पार्ट है वो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद जो डबल रियल है उसको पार्ट करवाने के बाद हमें रिटर्न भी करना है, यानी कि उसको आपने जो भी सॉल्व किया, आपने प्लस किया माइनस किया, जो भी ऑपरेटर हमने आपको दिया, आपने वो काम करने के बाद हमें रिटर्न करना है स्क्रीन के ऊपर। अब यही काम आप इमेजिनरी के लिए करेंगे कि इमेजिनरी में आप पहले उसको डेटा देंगे, उसके बाद आप इमेजिनरी को प्रिंट करवा देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है वो सी आउट करवाएंगे के एन। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएं। ये आपने याद कर लेना है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। आप कहते हैं जी सी आउट करवा दो डिस्प्ले पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जो कम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्प्ले पार्ट है वो आपको जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। उसके बाद आप रियल पार्ट को करवाएंगे, उसके बाद अपने इमेजिनरी पार्ट को करवाएंगे। ये जो आपको एक्सर्शन ऑपरेटर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रियल पार्ट है उसके अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, या नंबर हमारा उसके अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। फिर कम्प्लेक्स लगाते हैं आप, सी आउट करवाते हैं जी अपने ऑपरेटर प्लस कॉल्ड को, फिर उसके बाद आपके पास वही क्लास आ गई जो मैंने भी आपको ऊपर समझाई थी, यानी कि दोनों नंबर को क्या करें, प्लस करें, प्लस करने के बाद हम रिटर्न कर दें, मेन फंक्शन आ गया आपका। कॉम्प्लेक्स किस्म के आपने प्रोग्राम, यानी कि कॉम्प्लेक्स C1 12 और कॉम्प्लेक्स C2, यानी ये जो C1 है ये आपकी क्लास 1 है, और ये जो C2 है ये आपकी क्लास 2 है। फिर कॉम्प्लेक्स रिजल्ट और उसके बाद C1, दोनों को प्लस करने के बाद आप क्या करते हैं, आप इसको डायरेक्टली डिस्प्ले करवा देते हैं। इतना लंबा प्रोग्राम मैंने आपको 12 दफा बताया है अपनी वीडियोस के अंदर कि आपका पेपर में नहीं आता, बस आपने इतनी सी बात याद कर लेनी है कि आपको ये एरर फाइंडिंग के हवाले से दिया जा सकता है, वो भी सिर्फ कुछ पार्ट, पूरा प्रोग्राम आपको कभी भी नहीं देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि शायद इतना लंबा प्रोग्राम हमारे पेपर में जो है वो आ जाएगा। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, अब देखें ये इसका आउटपुट है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, ये 3 दफा प्रिंट हुआ। उसके बाद आपका प्लस का ऑपरेटर जो है वो प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने जो भी पार्ट दिया था उसने उसको हमें ऐड करके वापस कर दिया। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन आपको दूसरे प्रोग्राम में भी बताई जा रही है, आपने बस एक दफा इसको खुद से देखना है। टिप्स की तरफ मूव अप करते हैं, टिप्स में आपको क्या कह रहा है, और ये टिप्स आपने याद कर लेनी है। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आपका जो कंटेंट होता है एमसीक्यूज का, वो आपके टिप्स से ही बनता है।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज क्वाइट सिमिलर, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो क्वाइट सिमिलर है फंक्शन ओवरलोडिंग के, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने ऑपरेटर को, यानी आप जो प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है, इसको आपने ओवरलोड किया ताकि आपकी फंक्शनैलिटी मजीद इंक्रीज हो जाए। आपने दो इसके टाइप्स पढ़ी, एक होता है यूनरी और एक होता है बाइनरी। उसके बाद जो सी प्लस प्लस है, ये आपको क्या करता है, ये आपको प्रिमिटिव देता है, यानी कि आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जो यूजर अपने लिए खुद सेलेक्ट करता है या खुद बना लेता है। उसके आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, जिस तरह से अभी हमने बात की थी मल्टीप्लाई जो है वो यूनरी ऑपरेटर के साथ काम नहीं कर सकता, इसको दो ऑपरेंड चाहिए फिर ही ये आपको वर्क करके देता है। फिर बाइनरी ऑपरेटर के लिए वो आपको कह रहा है कि आपने लेफ्ट ड्राइव कॉल करनी है, और ऑपरेटर फंक्शन जो है नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दोनों जो ऑपरेंड्स है वो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और वैसे भी जो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं ये आपकी प्राइवेट क्लास तक एक्सेस या रसाई नहीं रखते हैं। तो आखिरी देखते हैं, ऑपरेटर कैन बी रिटन एज नॉन मेंबर फंक्शन एंड इवन विदाउट मेकिंग देम अ फ्रेंड्स, बट लेकिन दिस इज ट्रेडियस एंड लेस एफिशिएंसी वे, देयरफॉर इट इज नॉट रिकमेंडेड। वो कह रहा है जो ऑपरेटर नॉन मेंबर फंक्शन है ना, चूंकि अब यहाँ पर आप प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इतना बेनिफिशियल भी ये नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो एक लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज भी अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में जरूर तय करें, इंशाल्लाह आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।